राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं देव भारद्वाज, मैं विकास जी का बेटा हूं और मेरे पिताजी ने जो मेरे को ज्ञान दिया है वही ज्ञान इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल और मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने जो आप ये देख पा रहे हो ये रॉकी टमाटर है, सिजेंटा कंपनी के रॉकी टमाटर। और आप ये सोच रहे होगे ये कितने दिन के हो गए। ये टमाटर मैंने 1 फरवरी को लगाया था और आज 15 फरवरी हो गई, यानी 15 दिन के ये टमाटर हो गए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो ग्रोथ हुई है वो करीबन 20 से 25 दिन के टमाटर की हुई है, लेकिन ये 15 दिन के ही हुए हैं। तो मेरे किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से खाद डाले हैं। आपको सबसे पहले जुताई करनी है और फिर आपको इसके अंदर जिप्सम डालना है, सड़ावा गोबर डालना है, मिंगन खाद डालनी है, पेड़ की मिंगन डालनी है। जैसा कि मेरे किसान भाई, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर खाद कौन कौन सा डालना है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इसके अंदर सड़ावा गोबर डालना है और मिंगन डालनी है और मुर्गियों की भीड डालनी है आपको इसके अंदर, और जिप्सम डालना है और विशेष तौर से आपको माइकोराजा डालना है इसके अंदर, और नीम की खली डालनी है और सरसों की खली इसके अंदर ज़रूर डालनी है आपको। इससे आपको ये जो ग्रोथ देख रहे हो आप, ये जो मैंने आपको खाद बताई ये इसके अंदर मैंने डाला, ये सब खाद डाल के मैंने इसके अंदर लंबी लंबी जुताई करी है और फिर इसके अंदर ये पौधा लगाया और ये पौधा 15 दिन का हो गया, लेकिन ये मेरे को 25 दिन के पौधे के बराबर इसकी हाइट लग रही है। तो मेरे किसान भाइयों, आप भी इस तरीके से आप अपने खेती कर सकते हो और आप इसकी ग्रोथ आप देख पा रहे हो। तो मेरे किसान भाइयों, खेतीबाड़ी करने का भी तरीका होता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में तरीका बताया उस तकनीक से आप अपनी खेतीबाड़ी करें, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। जो मैंने आपको जो खाद बताया है उस खाद का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। जो आप ये जो भी फसल लगाओगे, टमाटर की फसल लगाओगे आप, उसमें उस टमाटर के पौधों की रोग प्रतिरोधक क्रिया बढ़ेगी और जो टमाटर की फसल में रोग आता है वो टमाटर की फसल में रोग आएगा ही नहीं और आपका जो रोग का खर्चा होता है तो वो बच जाएगा, क्योंकि रोग आपका आएगा नहीं। और इसका और भी बेनिफिट बता देता हूं, जैसे आप इसमें खेतों में आप अपना खाद डाल दोगे, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो खाद डाल दोगे, तो वो खाद अगली फसल में भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इसी फसल में काम करेगा, वो जमीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएगा मेरे किसान भाइयों, और जो जमीन को वो ऑर्गेनिक कर देगा, जिससे आप जो भी फसल लगाओगे उस अगली फसल में भी आपको जरूर बेनिफिट होगा। और जो मेरे किसान भाई मैं बताया आपको, इसमें जो खाद बताया वो खाद डालने के बाद जो टमाटर का जो पौधा है उसकी हाइट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और रोग प्रतिरोधक क्रिया बढ़ जाएगी और रोग नहीं आएगा, जिससे आपका रोग का खर्चा बच जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो चैनल के साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाओ। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।